Hi everyone, welcome on board. This video is very important. I'm going to talk about how to revise the most important topics in the 5 days. Okay, in 5 days of your preparation. Bhai, 5 din ke andar sare topic revise kaise karne? Ye video aap CAT ke 10 din pehle dekh rahe ho, 5 din pehle dekh rahe ho, 1 mahina pehle dekh rahe ho. Maine kya kiya? Bahut 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 takda analysis kiya before coming to this. To bhai, maine kya kiya? Pehli baat to pichle 3 saal ka quant ka analysis kiya. Kitne question kis topic se aa rahe hain? Tum log isko video ko pause karke iska screenshot leke khud pad lena. Abhi samay kam hai, to main इसलिए इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम इसकी समरी तुम्हें बता दूंगा. नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, ये सारे मेजरली 5 डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं. आप लोगों को पता ही है, अगर सीधी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रैकेट होता है अरिथमेटिक. उसके बाद का इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करें तो मेरा फेवरेट ज्योमेट्री है. ज्योमेट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ्स के 5 क्वेश्चन आए थे. मॉडर्न मैथ्स ऐसा टॉपिक है जो कि 2019 में काफ़ी बढ़ गया था, 2018 में बढ़ गया था. पहले इतना टॉपिक नहीं आता था बिकॉज मॉडर्न मैथ्स का बेस रहता है DILR के अंदर भी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी, और एक कैट पेपर सेटर स्टैटिस्टिशियन होता है हर बार, वो तो उसके खून में होता है भाई मॉडर्न मैथ्स. तो इसलिए मॉडर्न मैथ्स भी करना आप लोगों को ज़रूरी है. जिन लोगों को नहीं आता फिर भी ये टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं. और अगर हम वर्बल की बात करें, 3 ही टॉपिक आते हैं. पैरा जंबल आता है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट आता है, पैरा समरी आता है, और एक हमारा सबका बाप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भाव दे देना प्लीज़ यार, भाव दे देना. अगर हम पिछले साल की बात करें, 34 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते थे, तो भाई टोटल अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन, तो भैया 1/4 ऑफ एंटायर कैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब 25% नंबर, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है. और दूसरी चीज़, वर्बल की और बात करें तो पैरा जंबल और पैरा समरी क्वेश्चन भी अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं. अप्रॉक्सीमेटली क्या, पूरे 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, मतलब पूरा का पूरा दिस इज इक्वलेंट टू एंटायर अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम. ठीक है, 10 क्वेश्चन टीटा वाले क्वेश्चन है, पैरा जंबल और पैरा समरी है, इज इक्वल टू एंटायर अलजेब्रा, या तुम बोल सकते हो एंटायर अरिथमेटिक भी. समझ रहे हो भाई, अब अपने आपको सवाल पूछ, तूने अरिथमेटिक के लिए कितना टाइम लगाया? तू वही पढ़ता रहा ना, तेरे सामने वही किताब खुली थी. अभी एंड में तो यार पेपर जैसा आने वाला है, वैसा करके तू एनालिसिस कर सकता है. अब हम बात करते हैं LRDI की. LRDI का तो मैंने भाई पिछले 5 साल का एनालिसिस निकाला है, और उसके बेस पे सिर्फ 2-3 चीज़ें मुझे पता चली. एक तो पहली बात, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हर बार आती हैं, वो है रीजनिंग बेस्ड DI, जो कि तुम्हारा उसको हम केसलेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, एक ना एक मिसलेनियस टाइप होती है, स्पाइडर चार्ट आता है, वो भी हमेशा आता है. स्पाइडर चार्ट का हमेशा क्वेश्चन ईजी था पिछली बार कैट के अंदर. तो एक क्विक टिप बता रहा हूँ आपको, 5 दिन में जो रिविजन कर रहे हो, जो आपने विभिन्न टाइप के अलग अलग क्वेश्चन किए हुए हैं, वो चीज़ें हमेशा ईजी आती हैं. कोई कैट के अंदर आपको नई टाइप आएगी ना, वो वाली टाइप ईजी होती है, उसके बारे में सुन लेना. तो भाई ये समरी बता रहा हूँ आप लोगों को, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं. गेम्स बेस्ड टूर्नामेंट के भी क्वेश्चन पिछली बार 2019 में आए थे, पर ये काफ़ी देर से मिसिंग है. तो गेम्स बेस्ड अगर आपको करना है तो कर सकते हो, बट मेरा फेवरेट रहेगा केसलेस, अगर मेरी बात सुनो, और अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन. ये बेस पे मैंने एक स्केड्यूल बनाया, ठीक है. और मैं आपको स्प्रिंट वर्कशॉप के बारे में बताऊंगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो स्प्रिंट वर्कशॉप भी कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि 5 दिन अगले सर आप कान पकड़ के बैठ के रिविजन करवा दो, तो वो कैसे करनी है. स्प्रिंट वर्कशॉप 18 तारीख को स्टार्ट हो रही है. अगर ये वीडियो तुम देर बाद देखोगे, 19 को भी ज्वाइन कर सकते हो, 20 को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके आपको वीडियोज मिलेंगे. उसके बारे में क्या कमिटमेंट है पहले मैं बताता हूँ. नंबर 1 कमिटमेंट, भाई ये 3 कॉपी खरीद ले, नई कॉपी खरीद ले, बाहर जा, मास्क पहन, और ये 3 नोटबुक्स लेके आ फ्रेश वाली, अगर अभी तक नहीं बनाई. अगर पुरानी बनाई है तो उसमें हैंडराइटिंग गंदी है, तो नई दोबारा बना के दे दे. 5 दिन में पेपर अपने को पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है. पहली बात, वर्बल एबिलिटी की रूल बुक बना. वर्बल एबिलिटी की रूल बुक बनानी है. अगर कैटकिंग स्टूडेंट हो तो जितने मैंने रूल्स कराए हुए हैं, मेरे वाले रूल्स फॉलो करो. मेरे रूल्स, राहुल सर रूल्स इज इक्वल टू कैट के पेपर सेटर के रूल, वो मेरे रूल नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ कैट के ओरिजिनल क्वेश्चंस करा के रूल बनाता हूं, याद रखना. और वो रूल तुम्हारे हर जगह पे लगने चाहिए. व्हाट इज द रूल? रूल इज नॉन एक्सेप्शनल थिंग. कोई भी टीचर आपको बोलता है ये तो एक्सेप्शन है, ये तो एक्सेप्शन है, भाई वर्बल के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होती है, सिर्फ रूल्स ही होते हैं. आई रिपीट, 2017 वाले रूल तेरे 2018 में लगने चाहिए, 2018 वाले रूल तेरे 2019 में लगने चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. तो कैट के पुराने पेपर से रूल बनाओ, तुम्हें कैट फोड़ना है, मॉक में नंबर आए ना आए, याद रखना, इट्स गोना बी गेम चेंजर. नंबर 1. नंबर 2, DILR के रूल्स बना. DILR में कई की जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, CAGR कैसे निकाला, हाँ, क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ का एक फॉर्मूला होता है, कैसे प्लस करके निकाला, माइनस करके निकाला, परसेंटेज इंक्रीज निकाला. एक DILR की अपनी खुद की फॉर्मूला बुक बना ले या नोट्स बना ले, अगर नहीं बनाए तो उसके अंदर रेशियोज दोबारा रिवाइज कर ले. 1/2 इज 50%, 1/6 इज इक्वल टू 16.66%. अगर अभी तक भी तुम्हें ये सब चीज़ें याद नहीं है तो यार ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, बिकॉज पेपर सेटर यार सीधी बात है, कहीं पर तुम्हें इक्वेशन दिखेगी 16.67% ऑफ 16.67% ऑफ 36 कितना होता है, तो यार तेरे को फटाफट आ जाना चाहिए, यार ये तो 6 के आसपास है यार, है ना, तो 6 है यार टू बी मोर प्रिसाइज, पता होना चाहिए, बिकॉज 16.66 इक्वल टू 1/6. तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं यार, तुम लोगों को अगर नहीं रेडी अभी तक इसको रेडी रखो. नेक्स्ट, क्वांट की फॉर्मूला बुक. ये नहीं बनाई तो भैया ये लाल एरो दिख रहा है ना, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, मतलब एरो उठा के
अरे उठा के मारने का दिल कर रहा है तुम लोगों को, ठीक है, नहीं मार सकता मैं तुम्हें, बस ऐसे ही बता रहा हूँ भाई। क्वांट की फॉर्मूला बुक रेडी रख ले, कैसे कौन से टॉपिक्स की करनी है वो मैंने थोड़ा सा तुम्हें दिखा दिया। अर्थमेटिक की फॉर्मूला बुक रेडी होनी चाहिए, एलजेब्रा की रेडी होनी चाहिए, मॉडर्न मैथ, NPR, NCR, वहाँ तुम्हें पता होना चाहिए। और ये भी दिख ले यार कहाँ पे तूने कॉम्बिनेशन लगना है, कहाँ पे तेरे को परम्यूटेशन लगना है। ये भी दिक्कत हो जाती कई बच्चों को, नॉन इंजीनियर्स को, बोलते हैं सर मुझे लगना थी NPR की जगह NCR लगा दिया। बेसिक बातें कर रहा हूँ, कई लोग हंसेंगे इस पर, सर ये बातें तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, पर ये उन लोगों के लिए जिन लोगों की तैयारी अभी तक नहीं है या अभी कंसोलिडेशन करके आगे बढ़ना चाहते हो। तो भाई मैं आपको एक 5 दिन का शेड्यूल दे रहा हूँ। 5 दिन का शेड्यूल क्या करना है, बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, केसलेट्स, एनालिटिकल पजल्स, DIR मस्ट सॉल्व सेट, पॉज करके वीडियो नोट्स ले ले इसके, ठीक है। तीन दिन ये कर 20 सवाल केसलेट्स के बना, तेरे को 3 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, आई डोंट केयर शिट अबाउट इट। तो वो 20 सवाल डिफरेंट केसलेट्स के कर ले, कहाँ से करने, जो भी तुम्हारी कोचिंग के नोट्स हैं, अगर कैटकिंग स्टूडेंट्स हो, 50 मस्ट सॉल्व केसलेट्स आपको दी हुई हैं, सॉल्व भी की हुई हैं, उनको उनसे उठा 20, डिफरेंट 20 उठाने, सेम नहीं उठाने। अरुण शर्मा वगैरह को भी आग लगानी पड़ेगी, बहुत ही प्यारे लोग, प्यारा आदमी अरुण शर्मा तो, बट उनकी किताब अभी काफ़ी रेपिटेशन होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर से 20 अलग टाइप्स, 3 घंटे लगेंगे। आगे एनालिटिकल पजल, ये एक दिन में करना है, फिर अगले दिन करना है, अगले दिन, तो 3 दिन की स्प्रिंट मार, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम, भाई तेरे पास एक ही दिन का टाइम है, 20 सवाल कर ले नंबर सिस्टम के अंदर। योलर्स थ्योरम वगैरह पढ़ी हुई तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हुई तो भाड़ में जाए, ठीक है, भाड़ में जाए अगर नहीं पढ़ी हुई। अगर पढ़ी हुई तो हर एक थ्योरम के तेरे को यहाँ पे बैठ के जो तूने थ्योरम पढ़ी थी, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, उसके 20 सवाल बना ले, उसके बेस पे इसको रट्टा मार ले। रट्टा मतलब ये यार कितने सवाल होते हैं नंबर सिस्टम में यार, 20 या 25 से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, वो तेरे को 3 घंटे में सॉल्व करने। फिर एलजेब्रा, फिर मॉडर्न मैथ, फिर अर्थमेटिक। भाई एक एक दिन का टाइम है, जितना अर्थमेटिक एक दिन में कर सकता है कर ले। मिक्सड एलिगेशन का वो क्रॉस वाला फॉर्मूला है वो देख लेना, अगर तेरे को ज्योमेट्री कर रहा है तो ज्योमेट्री के अंदर पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है 2πr h, कर्व्स ऑफ एरिया का सिलेंडर कर्व्स ऑफ एरिया का सिलेंडर क्या है, कोन का फॉर्मूला क्या है, तो वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड गलती नहीं करनी है। ये 5 दिन में 20 सवाल बनाने हैं सबके, ठीक है। और वर्बल के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना ही करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20 आरसी करने पड़ेंगे तेरे को एक दिन में, ये तेरे को 3 घंटे से ज़्यादा लगेगा, बट प्रेफरेबली पुराने कैट के पेपर से करना। एक आरसी अगर 5 मिनट का है तो भाई 5 क्वेश्चन का है तो उसमें तेरे को 10 मिनट लगाने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन का आरसी सॉल्व कर तेरे को 6 मिनट लगाने हैं, तो 5 क्वेश्चन का आरसी 10 मिनट लगा रहा है, 10 मिनट रिवीजन, तो अप्रॉक्सीमेटली यार तेरे को 20 मिनट तो लग जाएंगे। इसमें तेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट एक दिन में दुनिया भर के अलग अलग टॉपिक के आरसी कर लेना। माई हम्बल रिक्वेस्ट है 20 की लिस्ट बना लेना यार, कौन से तूने 20 टॉपिक पढ़े। मैं एओनेसिस भी रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, बिकॉज लास्ट दिनों में पढ़ना थोड़ा जरूरी है। प्रेफरेबली जब वर्बल पढ़ना शुरू करता है ना यार, उस टाइम पे पढ़ना शुरू कर, अगर उस दिन पे मॉक नहीं दे रहा, अगर तेरा 8:30 का स्लॉट है तो 8:30 बजे उठ के सुबह ये वाले पहले 20 करना, बिकॉज वर्बल सबसे पहले आने वाला। तो दिन की शुरुआत, पढ़ाई की शुरुआत से वर्बल करो, दिमाग को अट्यून करो, फिर पैराजम्बल और आउट ऑफ कंटेक्स्ट 20 सवाल इसके बना ले, ये भी तेरे को अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड चाहिए। पैरासमरी बैठा, और वर्बल रीजनिंग होता है क्रिटिकल रीजनिंग, वो करना चाहता है वो भी कर ले, 20 सवाल ये बना। तो ये 20 सवाल करके अच्छे से नोट्स बना के तीनों बुक्स के अंदर सेट करने। सैटरडे संडे को थोड़े शॉर्टकट्स पढ़ लिया कर, शॉर्टकट मतलब जो भी तूने शॉर्टकट बनाए हैं या कहीं पर किसी वीडियो में सुने हैं या कैटकिंग स्टूडेंट हो तो डैशबोर्ड पे तुम्हारे दिए हुए हैं, वो शॉर्टकट्स तेरे को सैटरडे संडे को एब्रेस करने हैं। कोशिश कर, ये 5 दिन में पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। अगर ये वीडियो तुम 18 तारीख को देख रहे हो तो भाई 18 से लेके 22 तक हो जाना चाहिए, 19 को देख रहे हो तो 19 से लेके 23 तक होने चाहिए, अगर तुम 20 को देख रहे हो तो 24-25 तक तेरा ये सेट होना चाहिए। पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तेरे को बता दिए। एंड इफ यू वॉन्ट माई हेल्प, अगर आप चाहते हो सर आप करवा दीजिए, तो हम लोगों का स्प्रिंट वर्कशॉप शुरू हो गया, कई लोगों ने तो अर्ली एक्सेस पास भी लिया था, उनको 1-2 क्लास एक्स्ट्रा दिया है। बाकी लोग क्या करेंगे, अगर पढ़ना चाहते हो 8 से 9 बजे DILR करेंगे, उसके बाद 9 से 10 वर्बल करेंगे, 10 से 11 क्वांट करेंगे। DILR वर्बल क्वांट, DILR वर्बल क्वांट, ये 3 घंटे का स्प्रिंट लगेगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मेरा टाइम वर्बल एबिलिटी मैं पढ़ाने वाला हूँ। जिन लोगों ने अभी तक सोचा था सर कैट किंग में राहुल सर से पढ़ेंगे पर दूसरी कोचिंग में इन्वेस्ट किया हुआ था नहीं कर पाए, यार दिस इज आई थिंक अवेलेबल फॉर 999 रुपीज़, लाइफ कैन नॉट गेट मोर इजियर देन दिस। तो यार ये अप्रॉक्सीमेटली 12-15 घंटे का कमिटमेंट है, और कुछ पुराने जो स्प्रिंट की वीडियोज है मैं आपको वो भी दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। और अगर तुमने ऐसे करके पढ़ लिया ना, सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन लेके आना, कितना क्लास है 12 घंटे का टाइम है, कि यार 12 अलग सवाल आ जाए, और दिन में अगर हम 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 पढ़ रहे हैं, इसके बेस पे निचोड़ के सर मेरा एक सवाल और ठीक करवा दो, इसके बेस पे निचोड़ के मेरा एक सवाल और ठीक कर दो, या 3 दिन में सर मेरा एक सवाल और ठीक कर, बस इतना एक्सपेक्टेशन लेके आना, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। इतना एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो 18 तारीख को 1 नंबर ले लो, 1 क्वेश्चन ले लो, 3 नंबर, फिर 3-15 नंबर तक का एक्सपेक्टेशन लेके आना, आपको मज़ा आएगा। ये मत सोचना कि भैया अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड मी
along with some people from IIM Lucknow, SPJain, Narsingh Munji, अपन लोग थोड़ा magic create करने वाले हैं. तो you guys can get to this. It's going to be really, 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 really amazing. और जो लोगों का mock में number अच्छे आ रहे हैं या repeater हो भैया, रिपीटर्स को हम और भी एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं, पर तुम मेहनत करने वाले बनो, स्प्रिंट लो और मेहनत करो. 5 दिन का ये स्केड्यूल है भैया, 5 दिन में रिवाइज करो इसको बैठ के. नहीं करना है तो घर पे बैठ के करो, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट दिस 999 rupees एंड इट्स गोना बी वर्थ इट, भाई का प्रॉमिस है. तो भाइयों, कैट सिर पे आ गया है, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ. दिवाली चली गई, दशहरा चला गया, अब बस बम्प एक ही फूटेगा, वो भी कैट का. तो रिवाइज करिए 5 दिन के अंदर, 2 बार स्प्रिंट मार लेना. पहले बार 5 दिन के अंदर रिवाइज करो, फिर यही वाले टॉपिक छुटा के दोबारा रिवाइज करो. एंड एक एक दिन है. अब तुम सोचोगे सर एक दिन में कैसा होगा, एक दिन में ही करना पड़ेगा मेरी जान, एक दिन में ही करना पड़ेगा, समय निकलता जा रहा है. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, स्प्रिंट्स बिगिंस फ्रॉम 18th एंड इफ यू गाइस गेट स्टार्टेड बाय 18th और 19th यू विल बी इन सेफ हैंड्स. तो पढ़ो और रिवाइज करो अपना सिलेबस और पढ़ते जाओ, ये स्प्रिंट मारो बैठ के और मेहनत करिए. थैंक यू सो मच. इफ यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियोस, डू हिट ऑन द लाइक बटन यार. और ऐसे वीडियोस हम और करते जाएंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए. स्प्रिंट का मैं आपको नीचे लिंक दूंगा, यहाँ पे पहली स्प्रिंट पे क्लिक करना, और जैसे ही यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करोगे पूरी की पूरी स्प्रिंट आपके साथ खुल जाएगी. मेहनत करना है फिर आके, ठीक है, मेहनत करना. और भाई मैं हमेशा बोलता हूँ इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि जब हमारे आंसू निकलेंगे ना कैट के बाद, वो खुशी के आंसू होंगे. सर हमने मेहनत करी, मैं तो खुशी से रोने वाला हूँ इस बार, बिकॉज मेरे को पता है बच्चों का रिजल्ट आने वाला है. तो मेहनत करिए बॉयज एंड गर्ल्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, स्टे ग्लूड एंड कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू गाइज, बाय बाय.